पहला वजीर आजम था जिसको पार्लियामेंट ने और पाकिस्तान की आवाम ने वोट के जरिए उठा के बाहर फेंका। नवाज शरीफ ने लंदन बैठ के तुम्हारी हुकूमत खत्म की है ना अल्लाह के फजल से, नवाज शरीफ इंशाल्लाह तुम्हारी सियासत को भी दफन कर देगा। वैसे तो झूठ हमेशा से बोलता आया, इसका नाम झूठों का बादशाह होना चाहिए। आखिरी गेंद तक मुकाबला करने वाला आखिरी गेंद आने पर मैदान छोड़कर उल्टे पांव भाग गया। नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर तुम्हारी हुकूमत खत्म की, अब तुम्हारी सियासत को भी दफन कर देंगे। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का तंज। बोली रात को 12 बजे अदालतें इसलिए खुली क्योंकि इमरान खान ने आइन पर खुदकुश हमला किया। आरिफ अलवी, असद कैसर, गवर्नर पंजाब ने आइन से गद्दारी की, जो मर्जी कर लो हमजा शहबाज हल्फ जरूर लेगा। हाई कोर्ट ने क्या कहा कि एक महीने से इस पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का कोई वाली वारिस नहीं है। गवर्नर बीमार पड़ जाता है, जब हल्फ लेने की बारी आती है सदर साहब छुट्टी पर चले जाते हैं। ये खेल तमाशा कब तक चलाओगे? तो मैं कहना सारा टब्बर बीमार हो जाओगे, मुस्लिम लीग नूर हुकूमत बनाएगी। अभी तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं नियाजी साहब, सब्र करो, जो आपके करतूत हैं जेल के दरवाजे भी खुलेंगे। हमने तलाशी दे दी, अब इमरान नियाजी ने देनी है। नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले चार साल बदतरीन इंतकाम के बावजूद करप्शन साबित नहीं हो सकी। इमरान खान ने लाखों में घड़ी खरीद कर करोड़ों में बेची। झूठ का मुकाबला सच की सियासत से करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत की हमजा शहबाज से हल्फ लेने के लिए गवर्नर पंजाब को हिदायत जारी। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने केस का फैसला सुनाया। पंजाब 25 दिन से वज़ीर-ए-आला के बगैर चल रहा है, गवर्नर पंजाब 28 अप्रैल तक हल्फ की कार्रवाई मुकम्मल करवाएं। अदालत के रिमार्क्स। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की जमान पार का आमद। साकिब निसार साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंचे। इमरान खान ने साकिब निसार को कानूनी मशवरों के लिए बुलाया था। मुलाकात में वज़ीर-ए-आला पंजाब के हल्फ पर हाईकोर्ट के फैसले पर बातचीत हुई। लाहौर हाईकोर्ट ने जुमेरात तक गवर्नर पंजाब को हल्फ लेने का हुक्म जारी किया है।